वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, 3 दिन की बिल्कुल वीकली ऑफ थी, तो G20 के कारण सभी लोग मैक्सिमम ऑफिसेस बंद थे। हालांकि ट्रैवल तो लोग कर ही रहे थे, लेकिन ऑफिस वगैरह मैक्सिमम क्लोज हो गए थे। तो वीकली ऑफ 3 डेज़ का मिल गया और सभी लोग इन्जॉय किए होंगे अपनी फैमिली के साथ, मेरी वीडियो के साथ। तो आज जो मैं वीडियो शेयर करूंगी और उनके जिनके बारे में बताऊंगी, वो मशहूर और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड अभिनेत्री किमी काटकर जी, अगर आप लोग सभी को याद हो तो उन्होंने हम पिक्चर में से बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की थी अमिताभ बच्चन के साथ, और गाना भी था अच्छा सा। तो दोस्तों, उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी फिल्मी करियर ग्राफ, अभी वो करंट में कहाँ पे हैं, उनके बारे में सुनी और अनसुनी कहानी जानेंगे। तो सबसे पहले जो उनकी पर्सनल लाइफ है उसके बारे में जानते हैं। तो इनका जो वास्तविक नाम है दोस्तों, वो है नयनतारा काटकरी, और इनका जो उपनाम है टार्जन गर्ल अभिनेत्री, और किमी काटकर इनको पिक्चर में नाम दिया गया था। और इन्होंने जुम्मा चुम्मा दे के गाने के लिए काफ़ी ये हिट हुई थी और बहुत ही फेमस हुई थी। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती थी और बहुत ही अच्छी अभिनेत्री हैं। इनके आँखों का रंग हेजलनट रंग है, और ये बहुत ही, इनकी हाइट भी अच्छी है, और ये इनका जन्म स्थान जो है वो मुंबई है, और जन्म की जो तारीख है वो 11 दिसंबर 1965, और ये इंडियन हैं और मुंबई भारत में ये रहती हैं, ये ग्रेजुएट हैं। और इनका जो शौक़ है वो है पढ़ना, खाना बनाना और यात्रा करना। दोस्तों, ये विवाहित हैं और इनके जो प्रेमी रहे वो मोहनीश बहली और डैनी डेंगजोप्पा, संजय दत्त, गोविंदा इनके काफ़ी अच्छे फ्रेंड रहे। दोस्तों, इनकी जो शादी की तारीख है वो 2012। इनके पति का नाम है शांतनु गौरी, फिल्म निर्माता हैं, और बेटा का नाम है सिद्धार्थ गौरी, इनके एक ही बेटा है। इनके जो पिता का नाम वो है, उनका नाम टीना काटकर, माता का नाम, और इनकी माँ भी अभिनेत्री रह चुकी हैं। इनकी कोई भाई बहन नहीं, ये अपनी माता पिता की इकलौती संतान थी। तो दोस्तों, वो उन्होंने 17 साल की उम्र में एक मॉडल के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया। 1985 में उन्होंने सहायक अभिनेत्री के रूप में फिल्म पत्थर दिल से फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। उसी वर्ष वह द एडवेंचर्स ऑफ टार्जन में दिखाई दी, जो एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में पहली फिल्म थी। बाद में उन्होंने मर्द की जवान, मेरा लहू, वर्दी और अन्य जैसे फिल्मों में काम किया, लेकिन प्रसिद्धि हासिल नहीं हुई। उन्होंने 1991 में अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म हम बनाई। ये फिल्म उनके करियर की बहुत बड़ी सफलता हासिल की। इस फिल्म का गाना जुम्मा चुम्मा दे दे बहुत ही लोकप्रिय हुआ, आज भी भारतीय फिल्म उद्योग में प्रसिद्ध गीतों में माना जाता है, कई रिमेक्स बने हैं। तो बहुत ही हिट साबित हुई, इनके करियर का टर्निंग पॉइंट हुआ। और वो 1992 में फिल्म जुर्म की हुकूमत में दिखाई दी। इस फिल्म को करने के बाद उन्होंने फिल्म उद्योग से ब्रेक लिया। फिर उन्होंने शांतनु गौरी से शादी की। शांतनु गौरी की ये दूसरी पत्नी है, उनकी पहली पत्नी मालविका तिवारी थी, जो एक भारतीय अभिनेत्री भी रह चुकी हैं। 1992 में उन्होंने परंपरा, किंग अंकल फिल्मों के प्रस्ताव मिले, लेकिन अभिनेत्री ने दोनों प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वो फिल्म उद्योग को छोड़ना चाहती थी। उन्हें एक फ्रांसीसी फिल्म ब्लैक का प्रस्ताव भी मिला, उन्होंने उसे भी ठुकरा दिया। बाद में रोल कीटू गिडवानी के पास चला गया। दोस्तों, शांतनु गौरी से शादी करने से पहले उन्होंने मोहनीश बहल से सगाई की थी। उनके बेटे सिद्धांत गौरी को हेट्रोक्रोमिया, दो अलग रंग की आँखें हैं, और सिद्धार्थ गौरी की आँखें के रंग कलर जो है वो अलग अलग है। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल वो मुंबई में हैं, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रही हैं अपनी लग्जीरियस और अपनी हैप्पी लाइफ के साथ, अपने पति और बच्चे के साथ। तो दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोगों को की जो आँखें होती है वो अलग अलग कलर की होती है, वो किमी काटकर के बेटे की है, जिसका नाम है सिद्धार्थ गौरी। और ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही हम्बल इंसान है, अपनी लग्जरियस लाइफ के साथ मुंबई में सोशल इवेंट में कभी कभी दिखाई देती हैं। दोस्तों, भगवान इनको लंबी उम्र दे और स्वस्थ रखे। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो वीडियो मैंने शेयर किया आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।